Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will discuss the English portion of NUMS 2024. MCQ number 136 is, the plane ought to be taking off in a minute. The underlined word is, ये जो word है underlined है, ought to, ये इसका बताना है कि modal auxiliary है, या linking verb है, या helping verb है, या finite verb है. फाइनाइट वर्ब जो है वो उस वर्ब को कहते हैं जिसकी हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस बना सकते हो, और इसके कंट्रास्ट में नॉन फाइनाइट वो वर्ब्स है जिसके हम पास्ट टेंस नहीं बना सकते. प्रेजेंट मतलब उसका टेंस के साथ कुछ ताल्लुक नहीं होता. नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स है वो तीन है, वो है जेरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल. ये तीन नॉन फाइनाइट है. अब फाइनाइट ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जिसकी हम पास्ट फॉर्म और इसी तरह प्रेजेंट फॉर्म फ्यूचर. अब आर्ट टू की तो कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं है, तो ये फाइनाइट वर्ब तो नहीं हो सकता, नहीं इसकी कोई पास्ट फॉर्म हम बना सकते. अब लिंकिंग वर्ब जो है वो लिंक करता है, कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को. यहाँ पर ऐसा भी नहीं है, ये इसके बाद कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट या नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है, इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव नहीं है. अब ये जो आर्ट टू है ये एक हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई और वर्ब की होने जो कि मेन वर्ब है, और ये आर्ट टू मॉडल एक्सिलरी भी है. दोनों ठीक है, ग्रामेटिकली दोनों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है. आर्ट टू हेल्पिंग वर्ब भी है, आर्ट टू मॉडल एक्सिलरी भी है. अब पॉइंट ये है कि पेपर में बेस्ट दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सा होगा, तो वो मॉडल एक्सिलरी होगा. उसकी रीज़न ये है कि है तो ये हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के टाइप्स में से फिर ये आर टू एक मॉडल एक्सिलरी है, जिस तरह शुड, कुड, मे, माइट, शेल, विल, वुड, हैज टू, हैव टू, हैड टू, आर टू, हैड, बेटर. तो यहाँ पर हम मॉडल एक्सिलरी ऑप्शन ए को ही टिक करेंगे, क्योंकि अगर हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर हेल्पिंग वर्ब मॉडल एक्सिलरी हो, लेकिन अगर हम इसको मॉडल एक्सिलरी रहते हैं तो ऑटोमेटिकली ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्योंकि मॉडल एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब की टाइप है. ऑल मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स, बट नॉट ऑल हेल्पिंग वर्ब्स आर मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स. हर मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हर हेल्पिंग वर्ब मॉडल एक्सिलरी नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है उसमें से फिर हैज, हैव, हैड भी आ जाता है, एज, एम, आर भी आ जाता है, उसके मुख्तलिफ टाइप्स है. इसके ऊपर मैंने एक अलग सा लेक्चर बनाया हुआ है कि कौन कौन से टाइप्स है, फाइव टाइप्स है टोटल हेल्पिंग वर्ब्स के. एक तो ये मॉडल वर्ब हो गए, सेमी मॉडल वर्ब हो गए, हैज, हैव, हैड हो गया, एज, एम, आर, वाज, वर हो गया, और इसी तरह जो ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर हम दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर इट विल बी रेनिंग, इसमें विल बी हेल्पिंग वर्ब है और बी हेल्पिंग वर्ब है. तो ये हो गया एम सी क्यू नंबर वन का करेक्ट ऑप्शन मॉडल एक्सिलरी. अब हम डिस्कस करते हैं एम सी क्यू नंबर टू. ड्यूरिंग द हेवी रेन द स्काई ग्रीव डार्क, द अंडरलाइंड वर्ब इज. नॉन फाइनाइट अभी मैंने बताया कि तीन है, जेरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, तो नॉन फाइनाइट नहीं है. ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट, और फिर हम उसका पैसिव बना सकते हैं. इसका हम पैसिव नहीं बना सकते इस सेंटेंस का. और डाई ट्रांजिटिव जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दो तरीक़ों से पैसिव, जब एक तरीके से नहीं बना सकते दो से तो पॉसिबल ही नहीं है. ये लिंकिंग वर्ब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, और अभी मैंने कहा लिंकिंग वर्ब ज्वाइन करता है, लिंक करता है, कनेक्ट करता है सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को. कॉम्प्लीमेंट या नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है, यहाँ पर डार्क एडजेक्टिव है. सिंपल वर्ड्स में ये पॉइंट याद रखिए कि हर वो वर्ब जिसकी जगह हम एज, एम, आर, वाज, वर यूज़ कर सकते हैं उसको हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब. यहाँ पर हम ग्रीव की जगह वाज यूज़ कर सकते हैं, तो जिस तरह वाज लिंकिंग वर्ब है इस तरह ग्रीव भी हेल्पिंग वर्ब है. ही सीम्स हैप्पी, ही इज हैप्पी. इट लुक्स गुड, इट इज़ गुड. जिस वर्ब को हम एज, एम, आर, वाज, वर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं वो लिंकिंग वर्ब होगा. ठीक है, नंबर 138. His courage brought him honor. अभी मैंने कहा कि जब दो तरीक़ों से पैसे बन सकता वो पैसे डायरेक्ट ट्रांजिटिव होगा. अब इसका दो तरीक़ों से पैसे पॉसिबल है. ही वॉज ब्रॉट ऑनर बाई हिज करेज, अनर वॉज ब्रॉट टू हिम बाई हिज करेज. तो ये होगा डायरेक्ट ट्रांजिटिव. दो ऑब्जेक्ट्स है, एक
डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट एंड ट्रांजिटिव जिसके साथ एक ऑब्जेक्ट भी ना हो, लिंकिंग तो अभी मैंने कहा यहाँ पर ये लिंक ज्वाइन नहीं करना। अच्छा, कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वो होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट यूजुअली एडजेक्टिव या नाउन भी हो सकता है, लेकिन वो जो होता है उसका फिर दो तरीक़ों से पैसिव नहीं पॉसिबल। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ शी मेड हर पेरेंट्स, सेंटेंस कम्प्लीट नहीं है, प्राउड, प्राउड ने कम्प्लीट किया, प्राउड कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब शी मेड हर पेरेंट्स प्राउड, हर पेरेंट्स वर मेड प्राउड बाय हर, एक तरीके से पैसिव बन सकता है। हर पेरेंट्स को हम सब्जेक्ट पोजिशन पर लेके जा सकते हैं, लेकिन प्राउड को नहीं लेके जा सकती क्योंकि प्राउड ऑब्जेक्ट नहीं है। दो ऑब्जेक्ट्स हो तब डाई ट्रांजिटिव होता है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट हो एक कॉम्प्लीमेंट हो तो फिर वो कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये कम्प्लेक्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर दो तरीक़ों से पैसिव पॉसिबल है। इस वजह से ये हेम भी ऑब्जेक्ट है अनर भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो मैंने कहा शी मेड हर पेरेंट्स प्राउड वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था और एक कॉम्प्लीमेंट था। सीक्वेंस नंबर 139, द टीचर असाइंड द स्टूडेंट इन असाइनमेंट टू बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग वेकेशन, एंड वर्ब इज मानो ट्रांजिटिव जिसमें एक ऑब्जेक्ट हो, डाई जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो, कम्प्लेक्स जिसमें एक ऑब्जेक्ट जिसमें एक भी ऑब्जेक्ट ना हो। तो अब देखते हैं इसको, एक तो द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट होगा, एक इन असाइनमेंट, दो ऑब्जेक्ट्स है। अब देखिए इसका दो तरीक़ों से पैसिव बनता है या नहीं। द स्टूडेंट्स वर असाइंड इन असाइनमेंट हो सकता है, इन असाइनमेंट वाज असाइंड टू द, ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये डाई ट्रांजिटिव है। इसका करेक्ट आंसर बनेगा बीटा। सीक्वेंस नंबर नेक्स्ट 140, आउट ऑफ द टू इवल्स चूज द लेस, द सेंटेंस कंटेन एडजेक्टिव दैट इज, ये जो यहाँ पर वर्ड है लेस ये अंडरलाइंड है, इसका बताना है कि ये कौन सा एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर अब न्यूमेरल, पॉजिटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कंपेरेटिव। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव टू ईच एवरी, नीदर ईदर और बहुत है, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव। न्यूमेरल में नंबर होते हैं, इसमें नंबर। पॉजिटिव जो नॉर्मल डिग्री होती है वो भी नहीं है। ये जो लेस है ये लिटल की कंपेरेटिव डिग्री है, लिटल लेस लीस्ट, जब लिटल की कंपेरेटिव डिग्री है तो इसको हम कहेंगे कंपेरेटिव डिग्री ऑफ लिटल लेस, और इसकी सुपर डिग्री फिर है लीस्ट। सीक्वेंस नंबर 141, आर देयर एनी मैंगो ट्रीज इन दिस गार्डन, एनी का बताना है। प्रोनाउन तो ये नहीं है, नाउन से पहले आया है ये प्रोनाउन। अब नंबर है या क्वांटिटी है, तो चूंकि मैंगो और ट्री दोनों काउंटेबल नाउन्स हैं, जब काउंटेबल नाउन्स है तो काउंटेबल नाउन्स की क्वांटिटी नहीं होती, काउंटेबल नाउन की नंबर होती है, तो ये होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। वैसे तो ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव है लेकिन वो चूंकि ऑप्शन में है नहीं तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हम इसको कहेंगे। एक ही बात है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कोई इंडिविजुअल, जो कि खास नंबर ना एक्सप्रेस करे, खास नंबर या खास क्वांटिटी ना एक्सप्रेस करे, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पर नंबर है। हाँ, अगर यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन होता मैंगो ट्रीज की जगह तो फिर ये क्वांटिटी होता। सीक्वेंस नंबर 142, दिस इज़ द वेरी थिंग वी वांट, वेरी यहाँ पर जो है एडजेक्टिव है, उसकी रीज़न ये है कि थिंग नाउन है, नाउन की मीनिंग में ऐड कर रहा है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, प्रोनाउन की तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव वो होगा जिसके बाद एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाए, मिसाल के तौर पर व्हाट अ डे, तो इसमें व्हाट जो है ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है क्योंकि डे के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, लेकिन यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी नहीं, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव जिस तरह हम कहते हैं द सेम पॉइंट, द ओनली थिंग, इसको हम कहेंगे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। हाँ, अगर इस तरह आता व्हाट अ डे और एक्सक्लेमेशन मार्क तो फिर व्हाट को हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, और अगर व्हाट अ नाइस डे फिर एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब, क्योंकि नाइस एडजेक्टिव है तो व्हाट फिर एडवर्ब होता, लेकिन यहाँ पर ये थिंग की मीनिंग में ना। अगर इट इज़ वेरी इजी तो फिर वेरी एडवर्ब होता, एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट क्यू नंबर 143, डोंट बी इन सच अ हरी, यहाँ पर सच अंडरलाइंड है, नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव क्वांटिटी डिमॉन्स्ट्रेटिव, तो नंबर तो नहीं है,
डिस्ट्रीब्यूटिव ऑर्डर मैंने बताया ईच एवरी नीदर ईदर नॉन, क्वांटिटी बीम में मैंने बता दिया। यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव है, किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। वैसे तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूजुअली हम दिस डेट दीज दोज पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर सच और दिस जो है ऑलमोस्ट इक्वल है। डोंट बी इन दिस आरी या डोंट बी इन सच आरी ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है, मतलब किसी नाउन को रेफरेंस दे रहा है, नाउन को रेफर कर रहा है, तो इसलिए ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। एमसीक्यू नंबर 144, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ब इंडिकेटिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ही ब्लैंक होम फ्रॉम वर्क रेगुलरली सिंस ही जॉइंड हिज ऑफिस। कहते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करें तो वो पीटर होगा। वैसे उसूलन इन्होंने इंस्ट्रक्शन ये दिए, लेकिन उसूलन यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही करेक्ट आता है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर ये सेंस ही ज्वाइंड हिज ऑफिस यूज़ हुआ है, सेंस ही ज्वाइंड हिज ऑफिस यूज़ हुआ है, तो हम किसी पॉइंट को रेफ़र कर रहे हैं, किसी पॉइंट को रेफ़र कर रहे हैं और उस पॉइंट से लेकर अब तक एक एक्शन कंटिन्यूड है। इसी केसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर I have not seen him since we departed, लेकिन चूंकि यहाँ पर वो ऑप्शन है नहीं और उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी ऐसा दिया है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ करें, तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला ही करेक्ट होगा। ठीक है, नंबर 145, आल डिज़ायर वेल्थ इन सेमी कोलन टेंस इज दिस। ऐसी बात है, डिज़ायर यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो ये होगा प्रेजेंट इनडेफिनिट अल्फा। ठीक है, नंबर 146, चूर द इनकरेक्ट सेंटेंस में एमसीक्यू में स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन रीड करना लाजमी है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि इनकरेक्ट को चूज करें। जस्ट एज वेल एज मर्सी एज वेल एज ने ज्वाइन किया, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करेगा अलाउज, बिल्कुल ठीक है। इन हेम वॉज सेंटर्ड देयर लव, एम्बिशन अलग एंटिटी है, लव अलग एंटिटी है, तो वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। और ये जो इनकरेक्ट है ये एम सी क्यू का करेक्ट ऑप्शन बनेगा बीटा। वेज इसका यहाँ पर मतलब है रिवॉर्ड, तो ठीक है एज इसके साथ। और फायर एंड वाटर दो डिफरेंट एंटिटीज़ है, डू ये भी ठीक है, बीटा में मसला है, तो इस एम सी क्यू का करेक्ट आंसर बीटा होगा। ठीक है, नंबर 147, इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड सेव ह्यूमैनिटी, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, जिसमें हम एक क्लॉज में सेकंड फॉर्म और दूसरे में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और ये हम हाइपोथेटिकल अनरियल सिचुएशन के लिए यूज़ करते हैं, तो टाइप टू होगा, 40 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नंबर 148, चूज द सेंटेंस विच इज़ करेक्टली स्ट्रक्चर। इफ वी हैड फाउंड हिम अर्लियर वी कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ, इफ वी हैड फाउंड हिम अर्लियर वी हैव, ये कंडीशनल सेंटेंस में हैव नहीं यूज़ होता, इफ़ वी हैड डबल हैड भी नहीं होता। इफ़ वी फाउंड हिम अर्लियर ये सेकंड कंडीशनल तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुड नहीं आ सकता क्योंकि सेकंड कंडीशनल में वुड यूज़ होता है, अभी जो प्रीवियस एमसीक्यू में मैंने कहा। थर्ड कंडीशनल वाला स्ट्रक्चर अल्फा का ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। इफ़ वी हैड फाउंड हिम अर्लियर वी कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ, थर्ड कंडीशनल है। डेल्टा करेक्ट हो सकता था, लेकिन अगर कुड की जगह वुड आता, जिस तरह अभी मैंने इससे पहले वाले एमसीक्यू में कहा कि हम यूज़ करेंगे वुड और फर्स्ट फॉर्म, कुड की पॉसिबिलिटी थर्ड कंडीशनल में है लेकिन सेकंड में नहीं है। थर्ड में आपकी मर्जी है, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, आर्ट टू हैव, कोई भी यूज़ करें। 149, ओविंग टू हैव बैड लक ही मेट अ सीरियस एक्सीडेंट विद टाइप। अच्छा, इस सेंटेंस में ये जो है ये एक फ्रेज है, ये फिर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट, तो इसको हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस, डेल्टा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओविंग टू हैव बैड लक, टू हैज बैड लक, ये सॉरी कोई मिस्टेक हो गई, हैज बैड लक है। ये सेंटेंस सिंपल होगा, ये कम्प्लेक्स नहीं होगा क्योंकि एक ही क्लॉज है, ये तो फ्रेज है ये ओविंग टू हैज बैड लक। सिक्यू नंबर 150, द लास्ट, माय सिबलिंग्स बैग वर स्टोलन बाय बॉयज चीफ हुज गन्स पॉइंट वाज ब्लैक। माय सिबलिंग्स यहाँ पर तो ये एपोस्ट्रोफी इनकरेक्ट है और इसी तरह ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब दो ऑप्शंस रह गए, बैग वर स्टोलन बाय बॉयज चीफ, एक बॉय का तो चीफ नहीं हो सकता, मल्टीपल बॉयज के हो सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है। मैं एक बार फिर इसको बताता हूँ, जब कोई प्लूरल नाउन एस पेंड होता हो तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी होता है, एस नहीं होता,
ये भी ठीक हो, दोनों ऑप्शन ठीक है। बैग्स प्लूरल है लेकिन हम पोजेशन पोजेसिव केस नहीं बना रहे, तो ये दोनों ख़त्म हो गई। और यहाँ इसका मतलब है कि एक बॉय का चीफ, एक बॉय का चीफ तो नहीं हो सकता, मल्टीपल बॉयज़ का हो सकता है, तो इसलिए ये भी ख़त्म हो गए। अल्फ़ा टी का आंसर है। ये था नम्स 2024 का इंग्लिश का पोर्शन जो कि मैंने इस लेक्चर में डिस्कस